दोस्तों, डर का अनजाने में पता ही नहीं चलता कि हम कितने भयंकर डर में चले जाते हैं। और ये डर बचपन से शुरू होता है, जब हम 2 साल के, 4 साल के, 5 साल के होते हैं। इसीलिए माता पिता को कहा जाता है कि आप बच्चों को डराओ मत। कभी हम बच्चों को डराते हैं, भूत आ गया, प्रेत आ गया, कोई और डाकू आ गया, चोर आ गया, अंधेरे में मत जाना, बार अंधेरा है, कोई पकड़ के ले जाएगा आपको, अजीब अजीब तरह की शक्लों वाले आदमी दिखाते हैं जो बच्चों को पकड़ लेता है, गंदे बच्चों को। तो उस टाइम तो हम कहते हैं हमारा बच्चा शरारत कर रहा था, रुक गया। पर बहुत वक्त बाद पता चलता है कि बच्चा अभी डर के कारण बच्चों के साथ ही नहीं खेल रहा, बच्चा डर के कारण बाहर नहीं निकल रहा। तो पता चल जाता है कि बच्चा हमारा फोबिया ग्रस्त हो गया। कभी टीचर का फोबिया, कभी एग्ज़ाम का फोबिया, कभी इंटरव्यू का फोबिया, कभी कंपटीशन का फोबिया, सब जगह अलग अलग बात चलती है। तो हमें बच्चों से ही शुरू करें, क्योंकि इसकी जड़ जो है, इसकी मूलतः जो जड़ है, वो बचपन में ही हमें मिल जाती है। और कभी कभी फिर बड़े होकर के भी कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी घटनाएं अनकॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में हो जाती हैं। कहीं कहीं दोस्तों देखा कि पास्ट लाइफ के कारण होता है। आपने देखा होगा कि कभी कभी लोग सफ़र करते हैं बस में, तो उनको चक्कर आने लगते हैं, वॉमिटिंग होने लगती हैं। कभी पहाड़ों में जाते हैं, उनको चक्कर आने लगते हैं। तो आप एक बात देखिएगा कि जो व्यक्ति सफ़र करते हुए ऐसे उनको वॉमिटिंग होए, डरें, घबराएं, उनको पानी से भी फोबिया होगा, जो भी चलायमान चीज़ होगी वहाँ से वो डरेंगे। कभी कभी लिफ्ट बहुत तेज़ी से चल रही है तो भी अंदर से थोड़ी सी घबराहट होगी, पर कम होगी। जैसे आपने देखा होगा कभी आप पहाड़ों के सफ़र में ऐसे 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 चल रहे हैं, तो वहाँ भी एक अजीब सी बात हो जाती होगी। भाव के जहाँ पे 2-3 तरह की बात है, इसकी साइंस का दोस्तों मुझे नहीं पता है, जहाँ ऑक्सीजन कम होने की संभावना हुई, जैसे पहाड़ में गए तो ऑक्सीजन कम होने की संभावना हुई, बंद है सब कुछ वहाँ ऑक्सीजन कम होने की संभावना हुई, पानी के नीचे चले गए ऑक्सीजन कम होने की संभावना हुई, वहीं आपको तकलीफ होने लगती है।